हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वाले वीडियो के रिक्वेस्ट पता नहीं कितने कमेंट्स में मुझे आते रहते हैं। हाउ टू रिमूव ब्लैक हेयर्स, हाउ टू रिमूव व्हाइट हेयर्स, हाउ टू रिमूव ओपन पोर्स, ये सारे प्रॉब्लम। वैसे ओपन पोर्स के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि अगर ओपन पोर्स को कम करना है तो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बट ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जो है, आप इसको ओवरनाइट रिमूव कर सकते हो। जैसे कि मैंने थंबनेल पे बताया है, कोई भी क्लिकबेट नहीं है कि आप एक दिन करोगे तो नेक्स्ट डे आपको पता नहीं चलेगा। ओवरनाइट आपका ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स दूर होगा। अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करोगे तो आपके ओपन पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे। तो स्टेप जो है, 4 स्टेप्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी और स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा इसका डेमो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है स्टीम। तो वैसे प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है कोविड का, तो आपको स्टीम तो डेली लेना है। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए आपको डेली लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन लोगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा और काम भी होगा ओवरनाइट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है स्टीम। आप वेपर का यूज़ कर सकते हो, वेपर मशीन का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वेपर मशीन है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी यूटेंसिल का यूज़ कर सकते हो, उसमें गर्म पानी डाल के उससे आप स्टीम ले सकते हो। तो आपके जो है नोज एरिया से या इस एरिया में जहाँ पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। उसके बाद उसको रख दो और अपने फेस को एक अच्छे से क्लीन टिश्यू के साथ साफ कर लो। तो लूज हो जाते हैं वो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको करना है स्क्रबिंग। कोई भी जेंटल सा फेस स्क्रब आप यूज कर लो, जैसे कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ गुड वाइब्स का एप्रिकोट स्क्रब और एम कैफेन का ग्रीन टी वाला स्क्रब। तो आप कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो। 2 मिनट तक अच्छी तरह से अपने ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स वाले एरिया को ज्यादा करके स्क्रब करो। अगर फुल फेस को नहीं चाहते हो तो मत करना। उसको क्लीन वाटर से वॉश कर लो और उसके बाद फॉलो करना है 3rd स्टेप। स्टीम लेने की वजह से और आपके पोर्स को स्क्रबिंग करने की वजह से आपके जो पोर्स है वो लार्ज हो जाते हैं। अभी टाइम है पोर्स को मिनिमाइज करने का। इसके लिए आपको चाहिए फेस पैक। जो भी फेस पैक आपको सूट करता हो, कोई भी मट फेस पैक हो सकता है, कोई भी DIY हो सकता है, तो आप कोई भी फेस पैक यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अर्ल्स गुडनेस का टर्मरिक एंड मुल्तानी मिट्टी मिक्स वाला फेस पैक यूज कर रही हूँ। इसको यूज करने के बाद ये जब ड्राई हो जाए मैं रिमूव कर रही हूँ और उसके बाद आपको करना है मॉइस्चराइजेशन। वैसे फेस पैक बताने के साथ मैं एक बात और भी बता दूँ, अगर आप आइस क्यूब का यूज करेंगे फेस पैक के बदले तो भी होगा, बट प्रेजेंट जो सिनेरियो है आपको आइस क्यूब यूज करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बाय चांस अगर आपको सर्दी हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता है। तो इसीलिए आप फेस पैक का यूज़ करो, थोड़ा सा ओपन पोर्स बढ़ जाए बट वो सिंक्रोनाइज हो जाता है फेस पैक यूज़ करने के बाद। और फेस पैक को रिमूव करने के बाद जो मॉइस्चराइजर आपको पसंद है, आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, जो आप करते हो वो वाला करो। तो ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है उसका प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। और अगर ये आप लॉन्ग टर्म तक करते जाओगे तो आपको एक टाइम जाके पता चलेगा कि आपका ओपन पोर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही था आज का वीडियो, कैसे आप ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स और ओपन पोर्स को दूर भगा सकते हो अपने लाइफ से लाइफ टाइम के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।